क्या डील के तहत होगी फारूक और उमर अब्दुल्ला की रिहाई? आखिर किस शर्त पर होगी फारूक और उमर अब्दुल्ला की रिहाई? जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के दौरे और प्रदेश में लगे प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। प्रदेश के तमाम सियासी दलों के बड़े नेता या तो नजरबंद है या फिर उन्हें पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया है, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद इनमें से कई नेताओं की रिहाई की अटकलें लगाई जा रही है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा सकता है। हालांकि खबर है कि इन दोनों को सशर्त रिहा किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक समझौते पर काम कर रही है। इस समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर के दोनों प्रमुख नेताओं को सक्रिय राजनीति से कुछ दिन दूर रहने का वादा लिए जाने के बाद ही नजरबंदी से मुक्त किया जाएगा। सरकार के सूत्रों की माने तो ऐसा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसके बाद इस पर बातचीत के लिए फारूक और उमर अब्दुल्ला से संपर्क साधा जा सकता है। खबरों के मुताबिक एक विचार ये भी है कि दोनों को कुछ समय के लिए ब्रिटेन भेजने का रास्ता निकाला जाए। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता देश से बाहर रहते हुए जम्मू कश्मीर में मौजूद अपने पार्टी एजेंट की मदद से भी मामलों को देख सकते हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर घाटी में इंटरनेट रोक और धारा 144 पर रोक को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चंद घंटे के बाद कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत 26 लोगों पर कड़ा जन सुरक्षा कानून यानी पीएसए हटा लिया है। इन 26 लोगों में से 11 लोग उत्तरी कश्मीर से और 14 लोग दक्षिणी कश्मीर से हैं। वहीं कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा भी इन लोगों में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों को किसी भी वक्त रिहा किया जा सकता है। इनमें से कुछ कश्मीर से बाहर यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में बंद है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हाल ही में कुछ लोगों से पीएसए हटा दिया था और आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों पर तीखी टिप्पणी की थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि फारूक और उमर को रिहाई के लिए सरकार की शर्त मंजूर होती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।